So our topic is microbes in biogas production or गोबर गैस प्रोडक्शन. ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया था, मेरे को जहां तक याद है ये समझा दिया था ना मैंने आप लोगों को. हाँ ठीक है, चलो कोई रिकैप हो गया अपने, कोई एक जगह पर सीरियल नहीं चला जो रिकैप चाहिए. चलिए थर्ड वन, microbes are used for production of biogas or gobar gas. Next one likhiye. Working of gobar gas plant is based on working of cattle rumen. Where methanogens are involved in fermentive breakdown of cellulose, thus helps in digestion of cellulose, During this process, as a byproduct, methane gas is produced. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. फंक्शनिंग ऑफ बायोगैस प्लांट सॉरी नॉट फंक्शन, ये तो बता चुका मैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बायोगैस प्लांट वॉज डिजाइंड बाय केवीआईसी, दैट इज खादी एंड विलेज Industries Commission and IARI, that is
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड इन ए बायोगैस प्लांट। टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड इन ए बायोगैस प्लांट डिपेंड्स अपॉन माइक्रोब इन्वॉल्व and raw material used, microbe involved and raw material used. Next point likhiye, a biogas plant consists of ten to fifteen feet deep concrete tank, which acts as digester. Which acts as which acts as digester there is an inlet there is an inlet through which dung dung and water is fed there is an inlet through which dung and water is fed there is an outlet there is an outlet through which sludge comes out there is an outlet through which sludge comes out which can be used as fertilizer which can be used as fertilizer okay ha theek hai aa jayega video theek hai there is an outlet through which sludge comes out which is used as fertilizer ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए दिस कॉन्क्रीट टैंक इज कवर्ड विथ दिस कॉन्क्रीट टैंक इज कवर्ड विथ floating cover with an outlet through which gas produced
is 5 to nearest household. Through which gas produced is 5 to nearest household. Next point, likhe. Level of cover will rise. Level of cover will rise when there is production of gas and the gas produced is mixture of CH4, CO2 and H2. And the gas produced is mixture of CH4, CO2 and H2. इसको बना लीजिए डायग्राम जल्दी से. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट. Next heading is microbes as biocontrol agent. माइक्रोब्स एज बायोकंट्रोल एजेंट. अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा, फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होता है वो मिक्सचर इसका होता है, और जो हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट में गैस प्रोड्यूस करते हैं दैट इज मिक्सचर ऑफ CH4, H2S एंड CO2. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये डिफरेंस याद रखना. यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ H2S होता है. ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा. ओके, क्लियर है? ठीक. नाउ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट. तो ये होता क्या है कि माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट. देखो, जब आप बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज करते हैं अदर लाइफ फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए, मतलब वन लाइफ फॉर्म इज यूज फॉर कंट्रोलिंग अदर लाइफ फॉर्म, इट इज रिफर्ड एज बायो कंट्रोल मैथड. वी कॉल इट बायो कंट्रोल. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, इराडिकेट करने के लिए नहीं, कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, दैट इज रिफर्ड एज बायो कंट्रोल मैथड एंड इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. जो भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस आता है वहां पर हम लोग केमिकल यूज नहीं करते. जैसे हमें पता है हम इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वीडिसाइड यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग ये सब यूज नहीं करते. हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए. ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जो केमिकल्स, जो केमिकल वेडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, व्हाटएवर जो आप यूज होता है खेतों में, दीज आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन बट इट ऑल्सो कॉजेस हार्म टू ह्यूमन हेल्थ. ठीक है, एंड दीज केमिकल्स बिलीव इन इराडिकेशन, किसी चीज को खत्म करने में, कि भाई इसको पूरी तरीके से निपटा देना, इराडिकेट कर देना है. बट जो बायो कंट्रोल मैथड है इट बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग दोज ऑर्गेनिज्म एट मैनेजेबल लेवल. उनको इरेडिकेट नहीं करना है, उनके पॉपुलेशन को कम कर देना है ताकि उनका इंपैक्ट मिनिमाइज हो जाए. क्या बेस, क्यों ऐसा करते हैं? ये कहता है कि जितना भी डाइवर्स सिस्टम आपका रहेगा, मतलब जितना ज्यादा आपका बायोडाइवर्सिटी रहेगा उतना आपका हेल्दी सिस्टम होगा. दैट इज बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ. मोर डाइवर्स इज योर सिस्टम, मोर स्टेबल इट विल बी. ठीक है, उसके बाद आप अगर किसी केमिकल को यूज करते हैं तो वो केमिकल जो होता है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होता है. जैसे अगर मान लो एक्स के अगेंस्ट आप यूज कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक्स को हार्म कर रहा है, एक्स के साथ साथ वो वाई को भी, जेड को भी हार्म कर रहा है. वेयर एज दीज बायो कंट्रोल एजेंट्स आर टारगेटेड स्पेसिफिक. अगर आपको ए के लिए यूज करना तो सिर्फ ए को ही टारगेट करेगा. अब मान लीजिए कि ए जो है आपके क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है
और उसको हटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आपने क्या किया, एक केमिकल को यूज किया। अब क्या था, वो तो ए हट गया, लेकिन वो ए जो था वो बी का फूड था, और बी क्या था, वो इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर था। तो आपने क्या किया, ए को हटा दिया, मार दिया केमिकल डाल के। अब रिजल्टेंट क्या, वो बी का फूड खत्म हो गया, तो फिर पॉलिनेशन नहीं करेगा। तो जब पॉलिनेशन नहीं करेगा तो जिस प्लांट का पॉलिनेशन हो रहा था उसका लाइफ साइकिल डिसरप्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस ऐसा करेंगे तो एक्सटिंक्शन ऑफ वन विल लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ अनदर। Whereas this biocontrol method believes in the principle of maintaining that population at manageable level. तो अगर आप मैनेजेबल लेवल पे उसको रखेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा कि ए पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ तो बी भी सर्वाइव करेगा, तो पॉलिनेशन भी होगा। लेकिन जब भी हम बायोकंट्रोल मेथड कैरी आउट करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वहां पे उस एरिया में, उसका लाइफ साइकिल क्या है, वो कैसे सर्वाइव कर रहा है, उसका मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्या है, एवरीथिंग जो है वो हमें पता होना चाहिए। तभी आप बायोकंट्रोल मेथड कर सकते हैं, कि तभी आपको पता होगा कि इस समय इसका पॉपुलेशन बढ़ता है तो हमें इसको कंट्रोल करने के लिए ये चाहिए, और वो उस समय वहां पे अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप अगर इंट्रोड्यूस कीजिएगा तो वो वहां पे सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म को आपने नए जगह पे इंट्रोड्यूस किया एज अ बायोकंट्रोल एजेंट, सर्वाइव ही नहीं कर पाया, तो आपका मेथड फेल हो गया। तो ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस एनवायरमेंट में आप वो मेथड रन कर रहे हैं वहां के लिए वो बायोकंट्रोल एजेंट जो है वो सूटेबल है कि नहीं है। समझ में आया मैंने क्या कहानी सुनाई आपको? बहुत बढ़िया। तो चलिए कहानी लिखते हैं, फिर एग्जांपल्स करेंगे, इसमें एग्जांपल्स हैं। ठीक है, रेडम। When one biological agent is used for controlling other organism, it is known as biocontrol method. It is known as biocontrol method, which forms basis of organic farming, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे। इन कन्वेंशनल फार्मिंग वेरियस केमिकल्स आर यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, वीडीसाइड। These chemicals are not only responsible for environmental pollution, but they also cause harm to human health. In order to overcome this problem, biocontrol method is used
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। बायो कंट्रोल मेथड डू नॉट बिलीव इन बायो कंट्रोल मेथड डू नॉट बिलीव इन कंप्लीट इराडिकेशन but it wants to keep population of organism at manageable level as it believes in principle that biodiversity furthers furthers biodiversity furthers health biodiversity furthers health that is more diverse is the system more stable it will be ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। केमिकल्स यूज्ड आर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर दैट इज along with the targeted one it also harms non targeted one and what we consider as harmful maybe food for some beneficial insect maybe food for some beneficial insect which is acting as pollinator so eradication of one will result in eradication of another. Next one likhiye. Before biocontrol method is carried out, ये बहुत important point है. Pardon. Before biocontrol method is carried out, it is important to know about. life forms present in that area
टू नो अबाउट प्रेडेटर एंड पेस्ट प्रेजेंट इन दैट एरिया टू नो अबाउट प्रेडेटर एंड पेस्ट प्रेजेंट इन दैट एरिया देयर लाइफ साइकिल their feeding pattern, their life cycle, their feeding pattern, and habitat they prefer, It will help in developing appropriate method for biocontrol. Appropriate method for biocontrol. ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखिए, बहुत सारे हैं लेकिन हमें थोड़ा बहुत जानना है तो लिख लीजिए एग्जाम्पल्स. फर्स्ट लिखिए, लेडी बर्ड बीटल is used as biocontrol agent for aphids. ठीक है, सेकंड लिखे, ड्रैगन फ्लाइज आर यूज एज बायोकंट्रोल एजेंट फॉर मॉस्किटो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आपने ये बायोटेक में पढ़ लिया, अच्छा नहीं, ये स्टार्ट हुआ. एक बैक्टीरिया होता है बीटी कहते हैं उसको, बैसिलस थुरिंजिएंसिस. तो इसका स्पोर मिलता है बाजार में, ठीक है, स्पोर सारे अवेलेबल. इस स्पोर को ना वाटर के साथ मिक्स करके क्रॉप पे स्प्रे कर दिया जाता है, जैसे ब्रसिका क्रॉप हो गया, फ्रूट क्रॉप हो गया. वो क्या करता है, वहां पे जो बटरफ्लाई का कैटरपिलर वगैरह ग्रो करता है, जब इन स्पोर पे फीड कर, लीफ पे स्पोर होता है, लीफ पे फीड करता है, तो जब ये फीड करता है उस पर तो क्या होता है, ये स्पोर उसके गट में जाके, पेट में जाके टॉक्सिन रिलीज करता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन देयर डेथ. तो इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ कैटरपिलर. अल्टीमेटली कैटरपिलर पॉपुलेशन कंट्रोल हो तो बटरफ्लाई का पॉपुलेशन कंट्रोल होगा. राइट ऑन, स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिएंसिस is mixed with water and sprayed over crops such as brassica, fruit crop, in order to control spore of bacteria Bacillus thuringiensis is mixed with water and sprayed, SP
एंड स्प्रेड ओवर क्रॉप ऑफ बैक्टीरिया सच एज ब्रासिका फ्रूट क्रॉप इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग It helps in controlling population of it helps in controlling population of caterpillar of butterfly caterpillar of butterfly as these four in gut of caterpillar gut of gut gut of caterpillar releases toxin gut of caterpillar releases toxin which leads to their death ठीक है आपने पढ़ा होगा मैंने आपको बताया हुआ है एक फंगस होता है ट्राइकोडर्मा हमने पॉलीस्पोरम पढ़ा है इसका तो ये जो ट्राइकोडर्मा है इसका एक स्पीसीज जो है ये रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है मैंने रूट के चारों तरफ इट इज नॉन पैथोजेनिक तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई प्लांट है ठीक है मान लो कोई प्लांट है ग्रो कर रहा है यहां पे ठीक है तो हम क्या करते हैं कि ये ट्राइकोडर्मा को यहां पे इनोकुलेट कर देते हैं रूट के चारों तरफ तो रूट को डिजीज तो कॉज नहीं करता है ठीक है लेकिन अदर फंगस को यहां नहीं आने देगा तो इस प्लांट के रूट को जो सॉइल में पैथोजेनिक फंगस उनसे बचा लेगा एंड दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट राइट ऑन स्पीसीज ऑफ फंगस ट्राइकोडर्मा इज यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट is used as bio control agent against soil borne pathogenic fungus ठीक है नेक्स्ट इसलिए अगला एक वायरस है ग्रुप उसको हम कहते हैं बक्यूलो वायरसेस ठीक है ये जो बक्यूलो वायरसेस है दे आर पैरासिटिक ऑन इंसेक्ट्स and arthropods ठीक है they are parasitic on insect and arthropods especially इनका एक genus होता है ठीक है that is nucleo poly hedro virus ठीक है ये जो nucleo poly hedro virus है It is used as species specific narrow spectrum
इंसेक्टिसाइड, स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड, मतलब क्या हुआ कि इट इज हार्मफुल ओनली टू द टारगेटेड स्पीसीज, नॉट टू अदर स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट. तो नैरो स्पेक्ट्रम हो गया, जिस स्पीसीज को टारगेट करोगे उसी को, एंड इंसेक्ट को मार देगा. तो इट इज नॉट हार्मफुल टू नॉन टारगेटेड इंसेक्ट, इट इज नॉट हार्मफुल टू मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस एक्सेट्रा. इट विल ओनली हार्म द टारगेटेड वन, और उसमें भी स्पेसिफिक जो इंसेक्ट को टारगेट किया. थर्ड वन, बैकिलोवायरसेस अटैक्स इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स स्पेशली जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस इज यूज्ड एज नैरो स्पेक्ट्रम narrow spectrum species specific insecticide that is it is only harmful to targeted insect and not harmful to non-targeted insect, birds, mammals, amphibians, etc. Birds, mammals, fishes, amphibians, etc. ठीक है ना, ये जो बायो कंट्रोल मेथड है हमारा, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, स्पेशली इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया. इसका मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पे बहुत सारे माइन्यूट इंट्रैक्शंस हैं. अगर आप उन इंट्रैक्शन को डिस्टर्ब कर देंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा कि वो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा. जैसे देखते हैं ना, काट का घर बनाते हैं, एक पत्ता हिलाओ पूरा घर गिर जाता है. तो वैसे ही नेचर में ही बहुत सारा ऐसा सिस्टम है जहां पे बहुत माइन्यूट इंट्रैक्शंस हैं, और अगर आप इंस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय कर दो, केमिकल यूज कर दिया, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर गया तो पत्ता हिल जाएगा और पूरा घर गिर जाएगा. तो वहां पे हम लोग केमिकल नहीं, वहां पे हम लोग बायो कंट्रोल मेथड यूज करते हैं. रेडन, बायो कंट्रोल मेथड फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ bio-control method forms an important component of integrated pest management in ecologically sensitive area, ठीक है, लिख लिया.
नेक्स्ट हेडिंग इज माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर. Microbes as bio fertilizer. ठीक है, हमने पढ़ा है कि एग्रीकल्चर में भाई केमिकल्स यूज करते हैं एज ए फर्टिलाइजर. तो ये केमिकल्स जो हैं, दे आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन बट ऑल्सो लीड्स टू डिटोरेशन ह्यूमन हेल्थ. थर्ड डाउन, इन एग्रीकल्चर वेरियस केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज. In agriculture, various chemical fertilizers are used to increase production. These chemicals are not only responsible for environmental pollution. Environmental pollution, but also cause harm to human health. In order to overcome this problem, microbes are used as a biofertilizer. These microbes are used as biofertilizer. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे नॉट ओनली इंक्रीज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल. बट सम ऑफ देम लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी also increases amount of organic matter in soil, thus increases fertility of soil. ठीक है, तो बैक्टीरिया है, फंजाई है एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. फर्स्ट एडम बैक्टीरिया. Symbiotic association with roots of leguminous plant. And fix atmospheric nitrogen. Next point likhiye. Free living bacteria such as Azotobacter, Azospirillum. is used as
बायो फर्टिलाइजर इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर एज दे कैन फिक्स as they can fix atmospheric nitrogen next likhiye fungi forms mycorrhizal association with mycorrhizal association with roots of higher plant One of the common funguses, glomus. It increases the surface area of absorption. It helps in absorption of inorganic nutrient. Especially phosphorus. It provides resistance against, ये बता चुका हूं मैं आपको 11th में बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में. It provides resistance against abiotic stress. Such as drought and salinity. And biotic stress such as soil-borne pathogenic fungus. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी. Madam, blue green algae such as Nostoc, Anabina, Oscillatoria, Allocera, etc. are used as biofertilizer
are used as biofertilizer, as they can fix atmospheric nitrogen, as they can fix atmospheric nitrogen. Next point. Blue-green algae, Anabina. Blue-green algae, Anabina, along with pteridophyte, Azolla. Along with pteridophyte Azolla is used as biofertilizer in paddy field or rice field, ठीक है. तो चैप्टर करीब करीब खत्म हो गया, एक दो चार पॉइंट रह गए, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसके बाद स्ट्रैटेजी वो प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट करेंगे. ठीक है, थैंक यू.